हेलो वेलकम टू एपिसोड ऑफ रियलिटी चेक अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा मैंने लिंगड इन रियलिटी के ऊपर पूरी एक प्ले बना रहा हूँ जहां पे जो मैं लोगों की पोस्ट होती हैं मैं उनको रिव्यू करता हूँ बता रहे हैं या फिर जस्ट आपको गुमराह कर रहे हैं ओके सो आई एम मनोहर बत्रा टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड बिल्डिंग एन अमेजिंग कम्युनिटी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड लेट्स टेक आउट पोस्ट फ्रॉम हु इज रेवाज दैट

उसके बाद छोड़ देते जो कहा था कि सर्वर डाउन हुआ तीन डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस रूम में गए और वहां पे जाके वो डीएसए के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए और सर्वर अप हो गया नहीं वहां पे आपकी काम आती है रियल डेवलपमेंट स्किल्स या सिस्टम डिजाइन स्किल्स तो अभी पूरी पोस्ट देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि टू तो क्रैक इंटरव्यू स्पेशली फॉर एस डी रोल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स है ना अगर आप डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाना चाहते तब आपके लिए डीएसए मैंडेटरी हो जाता है और उस टाइम पे अगर आप लीडकोड कर दे हो, तो आपका कंपनीज़ में जाने का एक अच्छा गेट है है ओके okay? नेक्स्ट अब उन्होंने rather रेदर देन DSA problems प्रॉब्लम डे एंड नाइट एवरी डे हाथ दिस इज दी ओनली डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉफ्टवेयर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो आपको मिल गया होगा चिराग गोयल की वीडियो से समझ आ गया होगा राइट right? उन्होंने बहुत अच्छी प्ले बनाई है डी के सिस्टम डिजाइन के ऊपर तो वो यही समझाना चाहते हैं कि जब आप जूनियर एम्प्लॉइज होते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि भाई मैं कंपनीज क्रैक और जाके बस मुझे काम मिल जाए मैं अपना डेवलपमेंट करूँ काम खत्म पर जब आप सीनियर रोल पे जाने लगते हो तब आप बन जाते हो टीम लीड या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट या बिजनेस एनालिस्ट साइड जाते हो जब तब आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए तो उसी से वहीं से आता है सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर यही टेक्सटैग क्यों यूज करना है इसके क्या फायदे हैं इसका किसके साथ इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा या फिर अगर हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के और भी कोई प्रोडक्ट्स है क्या जो इस टाइम पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं हमको यहाँ पे ए डब्ल्यू एस क्यों यूज करना है क्यों नहीं करना गूगल क्लाउड क्यों नहीं करना आई बी क्लाउड क्यों नहीं करना गेटिंग वॉट आई एम सो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात पढ़ी है कि हम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करूँ ना तो वही बात है अब ये जूनियर डेवलपर्स इनको देख के सिस्टम डिजाइन मत भाग जाए आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ आप कॉलेज लेवल पे होते हो या फिर करियर के बिगनर सेक्शन पे होते हो एक स्टार्टिंग्रेशर ही हो तब तो आप डीएसए के ऊपर फोकस कर सकते हो

उस तरह इन्फोसिस में भी वैसा ही है एक है तीन चार साढ़े तीन चार का पैकेज एक साढ़े छह एक सीधा नौ तो तुम पहले कोशिश करो कि मुझे सीधा बड़ा प्रोफाइल पैकेज का मिल जाए सीधी उसके लिए लगता है थोड़ा सा डीएसए है ना और मान के चलो आपने किसी भी टेक्स टेक में करियर स्टार्ट कर लिया कोई बात नहीं आपकी जो एक सैलरी रेंज आपको जो जंप देगी ना वो आपको डीएसए देगी इन इनिशियल ईयर्स ओके डीएसए देगी इन इनिशियल ईयर्स और ये भी मेरी बात याद रखना कुछ लोग क्या फोकस करते हैं अरे काम करता हूं ना मेरा इस समय पैकेज है पांच लाख मुझे वहां से ऑफर आ गया आठ लाख का और चलते हैं ना मस्त तीन लाख तो बढ़ रहा है तुम ये मेरी हम बात हमेशा याद रखना जब तुम स्विच मारोगे तो जंप के साथ साथ स्विच के साथ साथ तुम्हारी सैलरी के साथ साथ तुम्हारा काम भी बढ़ेगा वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा स्टार्टिंग के छह महीने एक साल वो शायद दो साल भी हो सकता है डिपेंड करता है कंपनी टू तो कंपनी काम टू काम बट अगर आप डीएस से कर लोगे और आपके पास दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस आसपास आ भी जाएगा एक साल से ऊपर इंश्योर एक और दो साल के आसपास जब आ जाएगा

लास्ट इंपॉर्टेंट चीजें कि बोले मैं एक महीने में रिवाइज कर सकता हूँ उसका मतलब क्या है इसलिए बोलता हूँ कि भैया जितनी कम उम्र में डीएसए कर लोगे उतना अच्छा ओके okay? क्योंकि एक्जाम्पल अभी मेरी एक्जाम्पल मेरी शादी होगी इस टाइम में मेरे पास टाइम नहीं मिलता डी करने का मुझे है ना जैसे इन्होंने बोला मैं सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करूँगा वही मेरा फोकस समझ समझिए तो शादी के बाद ये चीजें करनी बहुत डिफिकल्ट लगती हैं कोशिश करो शादी से पहले कर लो उसके बाद क्या होगा सिर्फ रिविजन अरे आता है तो बस रिवाइज करना है अभी अगर आपके पास खुला टाइम है तो जाके आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो बट वंस यू गेट सम एक्सपीरियंस समे साल सात साल और शादी भी हो गई तो आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं जाके ये वीडियोस पूरी पूरी एक एक घंटे की देख सकूं तो ऐसे कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं लिंकड पे और कुछ दूसरे मैं बोलता हूँ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी है लिंक भी हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए और ऑडियंस चाहिए बस कॉपीड कंटेंट कर कर ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो कर लेना सो दैट मैं आपको हमेशा जेन्यून एक अच्छी गाइडेंस देता हूँ बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी देखनी है That's all in this video. चलता हूँ दुआ में याद रखना बाइबर मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पूरी वीडियोस जरूर देख लेना आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहां से ओके जी बाय बाय